जय हिंद। आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, क्यूबाइडल फॉर्म रहता है। इसमें जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तो उसके बाद उसका आर इक्विवेलेंट या उसकी करंट, उसमें बहने वाली करंट पूछ ली जाती है। तब थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसी समस्या को देखते हुए एक छात्र ने मुझसे क्वेश्चन किया है, तो उसका एक जो कॉन्सेप्ट है और जो उसकी ट्रिक्स है वो आपको बताई जाएगी। यहाँ अगर कोई ये पॉइंट था, ए पॉइंट, और यहाँ पे एक बी पॉइंट है, तो ए से बी के लिए जो करंट जा रही है, इस करंट का मान भी पूछा जा सकता है, या ये कहा जा सकता है आर ए बी या आई टोटल, ये आपको फाइंड करने के लिए कह सकता है। ये हमारे इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं। यहाँ पे अगर अभी सपोज कर ले रहे हैं, यहाँ पे आर वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं, ये इस तरह से आर वैल्यू के रेजिस्टेंस दिए गए हैं। ओके, तो इसका जो ट्रिक्स है, ट्रिक्स की चर्चा अभी हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट जान लें। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट हमारा इस प्रकार है, देखिए समझिएगा ध्यान से। कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर कोई करंट हमारी आई इस पॉइंट पे आई है, सपोज इसको वन मान ले रहे हैं, इसके बाद इसको टू मान ले रहे हैं, ये थ्री मान ले रहे हैं, और ये फोर मान ले रहे हैं, ये फाइव मान ले रहे हैं, ठीक है, ये सिक्स मान ले रहे हैं, ये सेवन मान ले रहे हैं, ये सेवन मान लूँ, इसको एट मान लूँ। तो इस तरह से ये पॉइंट हमने दे दिए हैं, पॉइंट के नाम हैं, ये अलग अलग जंक्शन हैं, इन जंक्शंस के कुछ नाम दिए गए हैं। इसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लो सपोज ये पहले जो करंट है वो हमारी वन पॉइंट पे जाती है, क्योंकि जंक्शन में ही जब जंक्शन कहीं पर होता है वहाँ से अगर अलग अलग ब्रांचेज आ रही होती हैं, तो हमारी करंट दिखती है कि हमें किस किस डायरेक्शन में जाना है। तो इस पॉइंट पर आते ही उसे ये लगता है कि हमें एक रास्ता ये है हमारे पास, एक दूसरी रास्ता ये है, और तीसरी रास्ता ये है। तो उसके पास तीन रास्ता है, हम लोग तीन रास्ते ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक। और इस प्रकार से हमें तीन रास्ताएं मिल गई। पहला पॉइंट हमारा वन था, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, ये वन पे पहले पहुंची थी, इसके बाद टू पे गई, इधर फोर पे गई, और इधर थ्री पे गई। तो टू थ्री और फोर पे गई है। इसके बाद जब ये फोर पे गई, यहाँ पे देखिए वन से फोर पे गई, वन से थ्री पे गई, और वन से टू पे गई, इसके लिए तीन रास्ताएं थी। तो जब ये सपोज पहले नंबर पे टू आ रहा, तो टू को देखते हैं, टू पे गई तो टू से दो रास्ते मिल रहे हैं, फाइव के लिए और सिक्स के लिए, तो फिर से दो रास्ते ड्रॉ करते हैं। ये कौन सा, फाइव और सिक्स, फाइव और सिक्स के लिए चली गई, जाने दो, अच्छी बात है। इसके बाद देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लूँ, ये फाइव एंड सिक्स, यहां जाते हैं थ्री पे, सेकंड के बाद थर्ड नंबर आता है। ये थर्ड पे जब आती है इस पॉइंट पे, तो इस जाने के बाद इसके दो रास्ते दिखते हैं यहां से फिर से, एक तो ये इस सेवन पे जा सकती है और दूसरा सिक्स पे। तो ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेवन हो गया और ये सिक्स हो गया। ये अगली शाखा, इस शाखा पे आती है जब फोर पे, फोर देखो कहाँ है, ये फोर है, फोर के बाद फाइव और सेवन, दो रास्ते मिलते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, फाइव और सेवन, फाइव और सेवन। ओके, यहां देख पा रहे हैं कि कुछ जो ब्रांचेस हैं वो कॉमन हो रही हैं, जैसे फाइव नंबर कॉमन है। ओके, तो फाइव को कॉमन कर देते हैं, ये इसी प्रकार सिक्स कॉमन है ये पॉइंट, और सेवन ये पॉइंट, तो इस प्रकार से ये कुछ वैल्यू कॉमन मिल जाती है। तो पहले आ जाते हैं फाइव पे, फाइव आ जाओ, ये फाइव था, फिर आगे की ओर जा रहे थे तो एट पे जाएंगे, तो फाइव से किस पे गए, एट पे, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पे आओ, सिक्स थे, सिक्स पे किससे गए, एट पे गए,
एट के लिए फिर से लगा दिया। यहां पे आओ, फाइव सिक्स और कौन सा बचा, सेवन, सेवन से किस पे गए, फिर से एट पे गए, एट पे। अब ये एट 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 इन तीनों को कॉमन कर दो, ये कॉमन होके फाइनली एट पॉइंट मिल गया। ओके, तो इस प्रकार से अब इस अगर जो सर्किट हमारा ड्रॉ हुआ है इसी का इक्विवेलेंट सर्किट है, क्या है ये इक्विवेलेंट सर्किट है इसका, तो अगर अब इस सर्किट को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पहली बात आप पोटेंशियल देखते हैं रेजिस्टेंस को सॉल्व करते समय, क्योंकि अगर इसमें पोटेंशियल को अगर आप समझ गए, सिमेट्रिकल जो सिस्टम बन रहा है उसको समझ गए तो आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे ये जो पॉइंट मिल रहा है ना इनके, ये लगभग इनमें सभी में लगभग क्या, ये सभी में पोटेंशियल समान है, इस पॉइंट पर सभी जगह पोटेंशियल समान होगा क्योंकि सिमेट्रिकल फॉर्म में है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस ही था, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस ही था, यहाँ भी फोर रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ही सबकी टू टू ब्रांचेस अलग अलग जा रही हैं, तो इसका मतलब ये हमें हमारे कैसे हैं, सभी सेम पोटेंशियल पे हैं। और सेम पोटेंशियल पे जो भी चीज़ होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है, क्योंकि अगर आप हमसे आप हम ये आपसे कह दें ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है 10 ओम मान लो इसको, और इसके बाद यहाँ पे कोई पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल था मान लो 100 वोल्ट का, और यहाँ पे पोटेंशियल था 50 वोल्ट का, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ ड्रॉप करा देगा, लेकिन अगर यहाँ से हम इसको शॉर्ट कर दें तो यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, ये कैसे हैं, एक ही पॉइंट है, ठीक है, मतलब इसमें जब भी हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो दोनों पॉइंट मिलकर एक ही हो जाते हैं, यानी कि उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसीलिए वो किसी तरह का कोई ड्रॉप नहीं कराते। चलो हम लोग इधर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जब सारे पोटेंशियल सेम हो गए तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं इस तरह से, और यहाँ भी इसी प्रकार से हम क्या इनको आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ लगभग इस तरह से। तो अब जब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, अब देखिए यहाँ से अगर ये सारे पॉइंट एक थे कुछ नहीं था तो ये एक दो और तीन, ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 और यहाँ पे 1 2 और 3, ये सब आपस में बार बार कैसे दिखेंगे, पैरेलल दिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ के पोटेंशियल सेम थे, यहाँ के आपस में पोटेंशियल सेम है, यहाँ के आपस में फिर से पोटेंशियल सेम है, तो इनको सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ से क्या है, इसकी वैल्यू कितनी थी, आर थी, ये आर थी, ये आर थी, ये सभी आर आर के थे, आर 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 एंड आर। इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो हमने पहले ही बता रखा है आपको, अगर जानकारी नहीं है तो आप फिर से एक बार याद कर लीजिए, ए पॉइंट था हमारा और ये बी पॉइंट था, तो जानकारी नहीं तो ध्यान कर लो, जब भी पैरेलल में अगर कोई समान वैल्यू का रेजिस्टेंस है, यहाँ भी देखो समान वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो उनकी जितनी नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग उतनी वैल्यू कर देते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला था हमारा आर बाई एन के इक्विवेलेंट, आर बाई एन के हिसाब से एन क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, आर क्या है जो हमें दिया गया गिवन रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमारा सेम होना चाहिए, सेम टाइप का रेजिस्टेंस सभी में लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, वैल्यू कितनी है आर, पैरेलल ब्रांचेस कितनी है 3 प्लस, क्योंकि इसके बाद ये सब सीरीज कड़ी है, ये इसके बाद यहाँ मिलता है, इसके बाद ये यहाँ मिलता है, फिर यहाँ से यहाँ मिलता है, तो इस तरह से सीरीज सीरीज बन जाएगा, पहले पैरेलल सॉल्व कर लोगे तो सब सीरीज बन जाएगा, तो इसीलिए हम प्लस का साइन लगा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है टोटल, आर बाई 6, फिर क्या है इसको देखे 1 2 3, तो आर बाई 3, और हम पहुँच गए बी पे। ओके, तो ये फाइनली हमारा आर ए बी है, आर ए बी, इसको सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 6 मिलेगा, इसको सॉल्व करके जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको यही मिल जाएगा कितना, आप इसको ध्यान दे दीजिए और जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो ध्यान दे दीजिए, ये आपको मिलेगा 5/6 ऑफ आर। तो यही हमारी ट्रिक्स थी, आपको यही अगर लर्न कर लेंगे, इस वैल्यू को आप अगर लर्न कर लेते हैं तो फिर परेशानी नहीं होगी, आप इस वैल्यू को लर्न कर लीजिए, ये जो वैल्यू है इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है, इस वैल्यू को आप लर्न कर लीजिए। ओके, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आर इक्विवेलेंट पूछे तो निकाल सकते हैं, आई पूछे तो वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो आपका आई दिया जाएगा। ओके, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें इन्होंने कहा है ये सभी कितने हैं, आर जो है वो आपका 1000 ओम है, या हम इसे कह सकते हैं 1K है, अगर ऐसा कुछ है तो आर की जगह हम वैल्यू फिक्स कर देंगे,
तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू 1000, और वैल्यू आप सॉल्व करो तो हो जाएगा 5000/6। इसको आप सॉल्व कर लोगे 830-840 समथिंग में जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये आपका क्वेश्चन और हमारा ट्रिकी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके एक नए क्वेश्चन और नए ट्रिक्स के साथ में।